दादा भगवान का जो उनको जो ज्ञान हुआ उसको अक्रम विज्ञान बोला जाता है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान। उसका दो डिवीज़न हो जाते हैं, एक क्रमिक मार्ग है, क्रम यानी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जो आत्म साक्षात्कार पाना है तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते 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 आत्म साक्षात्कार पहुँचना, तो उसके लिए दो रास्ते हैं। एक क्रमिक मार्ग है, क्रम यानी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, और दूसरा है अक्रम यानी लिफ्ट जैसा मार्ग। यानी संसार में दो प्रकार के रास्ते रहते हैं, वेदांत में भी बताया है, पिपली का मार्ग, विहंगी का मार्ग। विहंग यानी ऐसे उड़ के शिखर पे पहुंचना, और पिपली का यानी चींटी के जैसे चल के चल के चल के शिखर के ऊपर पहुंचना। जैन शास्त्र में भी बताया क्रमागत मार्ग, अक्रमागत मार्ग। यानी तप, तो त्याग, ध्यान, योग, साधना, गुरु के अधीन रह के करते हुए धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार पाना, वो क्रमागत मार्ग है। और ज्ञानी की कृपा से ही आत्म साक्षात्कार पाना, तप, तो त्याग, ध्यान, योग, साधना के बिना कृपा से ही पाना, वो अक्रमागत मार्ग है। कभी कभार ऐसा मार्ग खुला हो जाता है, अपवाद मार्ग बोला जाता है, न तो नियम से तो क्रमिक मार्ग ही है, तप करो, त्याग करो, ध्यान करो, करते करते आगे बढ़ो। और ये कभी कभार ऐसा रास्ता खुलता है अपवाद मार्ग, जो अपवाद में ये प्राप्ति की ली तो बेड़ा पार हो जाता है। और ये विज्ञान की बातें हैं, ज्यादा करके अपने प्रश्नोत्तरी से लेंगे ताकि संसार के प्रश्न भी हल होते जाएंगे आध्यात्मिक धर्म के, और साथ में ये आध्यात्मिक विज्ञान की बातें भी थोड़ी खुली होते जाएंगी। बहुत बड़ा विज्ञान है, बेसिक फंडामेंटल। ये विज्ञान में बेसिक फंडामेंटल जो बोले वेरी बिगिनिंग के लिए, इसमें दो ही चीज़ दादाजी ने बताया, ये खुद कौन है, सेल्फ को रियलाइजेशन करना चाहिए, और ये कर्ता कौन है, कराता कौन है, उसको समझ लेना चाहिए। ये दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने से संसार के बहुत प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी तो आगे तो बहुत जानने की चीज़ है, क्योंकि छोटी छोटी बातें में भी अपनी बिलीफ, तो कितनी प्रकार की मान्यताएं घुस गई है, ऐसे तो करना ही चाहिए व्यवहार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसे पैसे के लिए ऐसा ही रहना चाहिए, कितनी प्रकार की रॉन्ग बिलीफे हैं। और तमाम रॉन्ग बिलीफों से भी आगे ब्लंडर्स है, और ब्लंडर्स टूट गए बाद में धीरे धीरे रॉन्ग बिलीफ भी छूट गई, तो यथावत आत्मस्वरूप का अनुभव हो सकेगा। यानी यहाँ ये नया धर्म नहीं है, मगर तमाम प्रकार की अज्ञान मान्यता से छूटना है, रॉन्ग मान्यताओं से छूटना है। यानी क्वेश्चन आंसर इसके लिए है कि आपके भी जो मन में द्विधा है, तो आप पूछेंगे तो आपकी द्विधा खत्म होते जाएंगी, आध्यात्मिक समझ आपको आगे की मिलते जाएगी।